नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मालोदय अहमदनगर महाराष्ट्र से। आज इस वीडियो में हुंडई कंपनी का जो गाड़ी आता है एसेंट, उसका अल्टरनेटर जो है वॉल्वो कंपनी का आता है, उसका रेगुलेटर टेस्टिंग करेंगे और उसके कनेक्शन के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक विनंती करना चाहता हूँ कि कोरोना के इस महामारी में खुद को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए, अपने प्रियजनों की हेल्थ के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, यही विनती करूँगा। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते। इसमें 6 कनेक्शन आता है, मगर ये खाली इसका कस्टर मीटर का जो इंडिकेशन लाइट है, इसका सिंगल पिन है इसमें यूज होता है, बाकी कोई कनेक्शन नहीं है। मगर ये जो अल्टरनेटर है, ये वॉल्वो कंपनी का आता है, तो इसमें ये रेगुलेटर में ये जो पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं, ये नेगेटिव साइड है, इसे नेगेटिव बॉडी ग्राउंड दिया हुआ है, और ये ऑक्स जो डायोड है उसका कनेक्शन आता है, और ये में पॉजिटिव कनेक्शन है। इसमें बैटरी का जो पावर सप्लाई है ये कंटिन्यू इसमें रहता है, और इसमें 2 पिन दिया हुआ है, मगर ये सिंगल ही पिन इसमें यूज होता है। ये जो EL कनेक्शन है, कस्टमर मीटर का जो बैटरी इंटीग्रेशन का जो लाइट आता है उसका एक ही पिन इसमें बैठता है, और ये से यो खाली रहता है। इसका इस रेगुलेटर में मैंने जो बाकी रेगुलेटर जो जानते हैं इससे अलग सा कनेक्शन है इसका, इसका टेस्टिंग भी करेंगे। मैं आपको इसका टेस्टिंग कैसे करने का कनेक्शन ये आप लगाया हुआ है दिखाता हूँ। इसमें 3 ही कनेक्शन यूज होगा, जो बैटरी इंटीग्रेशन का जो सप्लाई आता है ग्राउंड मैंने इसमें यो हरी वायर में आता है, तो इसमें मैंने वो इसका अपना EL कनेक्शन में इसको लगाया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। EL वाले में इसका बैटरी इंटीग्रेशन का जो कस्टर मीटर का जो ग्राउंड आता है बैटरी इंटीग्रेशन का, वो इसमें लगाया हुआ है मैंने, और इसको ये मैंने बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई दिया हुआ है, और एक ये जो है ये ग्राउंड इसमें लगाया हुआ है। बाकी जो रेगुलेटर है इसमें जो रेगुलेटर काम करता है वो निगेटिव सप्लाई इसका उसका कट ऑफ हो जाता है, मगर ये जो रेगुलेटर है इसमें पॉजिटिव सप्लाई कट ऑफ होता है। इसको अलग ढंग से चेक करेंगे तो ये फॉल्टी दिखाएंगे आपको। इसका वर्क प्रिंसिपल है वो अलग सा है, ये पहली बात। और इसमें जो फॉल्ट होते हैं ये भी आपको बताऊंगा। तो इसका पहले आप टेस्टिंग कैसे करने का ये जान लेते। मैं रेगुलेटर टेस्टर पे इसका टेस्टिंग करता हूँ। अलग अलग सा टेक्नीशियन भाई को अलग अलग सा मेथड है, वो बैटरी इंडिकेशन टेस्ट लैम्प से भी चेक करते, कई भाई लोग मल्टीमीटर से चेक करते, मगर जो रेगुलर इसका वर्किंग का जो प्रिंसिपल है, फॉल्ट है, ये टेस्ट रेगुलेटर टेस्टर से समझ में आता है। तो आपको मैं अब इसका टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। अब ये पूरा कनेक्शन लगाया हुआ है, आपको ध्यान देना है कि ये वोल्टेज कितने पे आके कट ऑफ हो जाता है। इसका मैंने टेस्टिंग किया हुआ है पहले, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अभी इसका मैंने वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये देखो, ये बैटरी इंटीग्रेशन का लाइट जलने लगा। ये देखो इसका कनेक्शन वोल्टेज जिस तरह से बढ़ेगा, ये इसका 12 वोल्ट का इसमें एरो, रेड कलर का एरो दिखा है, मगर इस रेगुलेटर का वोल्टेज कट ऑफ ज़्यादा है। साधारणतः इसका 17 या 18 वोल्ट पे इसका कट ऑफ दिया हुआ है। ये देखो, इसका रीडिंग अभी 15, 16 और ये
करीबन 19 के 18 या 19 के वोल्ट पे ये इसका कट ऑफ दिया हुआ है। ये देखो इसका 19 पे आया तो ये 18 वोल्ट के बराबर इसका वर्किंग दिया हुआ है। ऐसे ही इसको टेस्टिंग करने का रहता है। ये देखो इसका आपको पूरा दिखाता हूँ, ये वोल्टेज साधारणतः 18 साढ़े 18 तक इसका कट ऑफ दिया हुआ है, क्योंकि इंडिकेशन लाइट बंद हो जाएगा और इसका रेगुलेटर का कट ऑफ हो जाएगा, इसे रोटर का सप्लाई कट ऑफ कर देता है। आपको इसको एक थोड़ा सा अलग सा एक मेथड है, इसको टी टाइप मीटर बल्ब लगा के इसका आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ। समझने के लिए मैंने इसको 5 वाट का मीटर बल्ब, टी टाइप मीटर बल्ब लगाया हुआ है। इसमें आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए, क्योंकि ये कार्बन ब्रश रोटर को सप्लाई प्रोवाइड करता है। ये ट्यूब टाइप को आपको रोटर ही समझिए, समझो। तो इसको अभी मैंने उसका वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर दिया। ये देखो मीटर पर रोटर का सप्लाई शुरू हो गया। ये देखो इसका अभी वोल्टेज, ये देखो 12 वोल्ट के वोल्टेज गया तो इसका, ये देखो रोटर का सप्लाई इसका कम होने लगा। ये देखो ये साधारणतः 18.5 तक इसका वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। ये देखो और 18.5 के बराबर इसका दोनों का सप्लाई इसका कट ऑफ हो जाएगा, बैटरी इंडिकेशन भी लाइट गुल हो जाएगा और रोटर का सप्लाई भी बंद हो जाएगा। ऐसे भी टेस्टिंग करते एक इसमें अलग अलग टेस्टिंग रेगुलेटर आता है, हर रेगुलेटर का अलग अलग सा कनेक्शन दिया हुआ रहता है। फॉल्ट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि इसमें बैटरी इंडिकेशन लाइट दिखाएगा नहीं तभी रेगुलेटर में फॉल्ट आता है। दूसरा ये रेगुलेटर डायरेक्टली हो जाता है, डायरेक्ट हो जाने से इसका बैटरी जो है वो ओवर चार्जिंग हो जाता है, क्योंकि ओवर चार्जिंग से बैटरी ख़राब हो जाता है। तीसरा फॉल्ट है ये जो कार्बन ब्रश है ये ख़त्म हो जाने का, यही का कारण रहता है। तो उसके लिए आप ब्रश अलग से मिले तो इसको चेंज करके भी शोल्डर करके बिठा सकते हो। दो तीन ही कारण इसमें रहते फॉल्ट होने के, बस यही इस वीडियो में आपको बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।